साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। आज हम भगवान के डाकिए कविता की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ इसके प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। कवि ने भगवान के डाकिए पक्षी और बादलों को कहा है। पक्षी और बादलों के संदेश को पेड़ पौधे, पर्वत, सरोवर अर्थात संपूर्ण प्रकृति पढ़ने में सक्षम है। पक्षी और बादल प्रकृति की मनोरमता का संदेश देते हैं। आइए अब इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न एक, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि यह मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमाओं के परे हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा एक देश से दूसरे देश को जाते हैं और बादल एक देश के पानी को एकत्र कर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इस प्रकार ये हमें प्रेम, भाईचारा और आपसी सद्भाव का संदेश देते हैं। प्रश्न दो, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य के अलावा पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ, सागर, पर्वत अर्थात संपूर्ण प्रकृति पढ़ पाते हैं। प्रश्न तीन, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा दिए गए प्रेम, शांति, आपसी सद्भाव, भाईचारे और एकता के संदेश को पढ़ पाते हैं और इन्हीं भावों का संपूर्ण संसार में संचार करते हैं। प्रश्न चार, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रकृति की दृष्टि से सभी समान हैं, अपने पराये की भावना मनुष्य के मध्य विद्यमान रहती है। प्रकृति ऐसी भावना से किसी को नहीं देखती। पक्षियों का एक देश से दूसरे देश गमन करना ही प्रेम, एकता, आपसी सद्भाव की सुगंध एक देश की धरती को दूसरे देश भेजना ही है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न पाँच, भगवान के डाकिए कविता में क्या संदेश दिया गया है? भगवान के डाकिए कविता में यह संदेश दिया गया है कि जिस प्रकार पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रहते हैं और अपने प्रेम, एकता, आपसी सद्भाव को संपूर्ण विश्व में फैलाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न छः, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही भगवान के डाकिए का संदेश समझने में क्यों सक्षम है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही भगवान के डाकिए का संदेश समझने में इसलिए सक्षम है क्योंकि इनके मन में किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं है। साथ ही साथ मनुष्य द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के बंधनों और सीमाओं से परे हैं। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको भलीभांति समझ में आए होंगे। चैनल पर आपको कक्षा 8 हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आसानी से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए चैनल को अतिशीघ्र लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।